कि उन्होंने अपना कीमती समय डाइट के वेबिनार के लिए निकाला और हमें और आगे काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान की। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल बरेली हैं। आज हम सब के लिए बड़े गर्व फख्र की बात है कि हमारे प्राचार्य श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व में समस्त डाइट प्रवक्ताओं के सहयोग से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में एक ऐसे वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है जो उसका संबंध नई शिक्षा नीति 2020 पर है, जिसमें न सिर्फ राज्य के बल्कि दूसरे राज्यों के बुद्धिजीवियों के विचार हम सबको सुनने तथा उनसे लाभ उठाने का मौका मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर संस्थान का वेबिनार कराने का मकसद या सरकार की मंशा ये है कि किस तरह से भारतवर्ष जहां सभी प्रकार के लोग, अमीर गरीब, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग रहते हैं, उन सब के दरमियान समन्वय बनाना है। और न सिर्फ समन्वय बनाना है बल्कि समन्वय बनाकर संपूर्ण भारत को न सिर्फ शिक्षा की ओर ले जाना है बल्कि शिक्षा की रोशनी से पूरे देश को रोशन करना है। या यूं कहा जाए कि शिक्षा के द्वारा रोशनी से रोशनी की तरफ ले जाया जाना है तो गलत न होगा। वास्तव में शिक्षा की ही रोशनी से भारत जैसे विशाल देश को रोशन किया जा सकता है। अपने इन्हीं मकसद को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है, जिस पर अभी हमारे बहुत से विद्वान शख्सियतें मौजूद हैं, वो हम सबको इस नीति से विधिवत अवगत कराएंगी। इस संदर्भ में जिन विद्वानों के ज्ञान से हम आप लाभान्वित होंगे उनमें श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल बरेली का नाम सर्वोपरि है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर एस एन वर्मा जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय वाराणसी तथा डॉक्टर रमेश द्विवेदी जी एसोसिएट प्रोफेसर शिक्षा विभाग उदय प्रताप डिग्री कॉलेज वाराणसी तथा इसके अतिरिक्त कुछ डाइट प्रवक्ता श्री आनंद द्विवेदी, श्रीमती शताक्षी यादव साहिबा, श्री चतुर्भुज नारायण तथा पीताम्बर चौरसिया जी अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। अगर हम इस संस्थान अर्थात डाइट के दिन दूनी रात चौगुनी करने के कारणों को जानने का प्रयास करें और देखें कि इस संस्थान से बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करके, अपनी तालीम मुकम्मल करके देश के अलग अलग जगहों में शिक्षा की रोशनी को फैला रहे हैं, तो निसंदेह बेशक जबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, जो हमारे प्राचार्य श्री देवेंद्र कुमार गुप्ता जी का कुशल नेतृत्व है और उनका निर्देशन ही है कि जिससे न सिर्फ डाइट स्टाफ बल्कि तमाम छात्र भी समय समय पर। इस संस्थान के बारे में अगर दो शब्द कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियाँ बोलेंगी और उड़ जाएंगी, अपनी अपनी बोलियाँ बोलेंगी और उड़ जाएंगी। इसी के साथ मैं अपने प्राचार्य श्री देवेंद्र गुप्ता जी से अपनी बात खत्म करते हुए निवेदन करता हूँ कि वो आए और तमाम मेहमानों का खैर मकदम अभिवादन करें तथा अपने कीमती शब्दों से हम सबको नवाजें। आए हमारे प्राचार्य श्री देवेंद्र गुप्ता जी। आज के इस
निदेशक एससीईआरटी महोदय के निर्देशानुसार जनपद हरदोई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित इस ई वार्ता वेबिनार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 संबंध में वेबिनार ई वार्ता का शुभारंभ किया गया है। ये दो दिवसीय ई वार्ता जिसमें हमारे मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जेडी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में और हमारे अतिथि प्रवक्ता जो दूसरे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से सम्मानित है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर वर्मा विभागाध्यक्ष इतिहास पंडित दीनदयाल पीजी कॉलेज वाराणसी, ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमारे जनपद हरदोई से जुड़े हुए लोगों को अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे, उनका मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही डॉक्टर रमेश द्विवेदी उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और इनके विचारों से भी हम लोग आगे। साथी कमल कुमार त्रिवेणी कृषि महाविद्यालय रायबरेली का भी मैं इस दो दिवसीय राष्ट्रीय स्थानीय के वेबिनार में स्वागत करता हूँ। साथ ही शशिधर गुप्ता असिस्टेंट प्रोफेसर मगध विश्वविद्यालय मगध का भी मैं दो दिवसीय स्वागत करता हूँ। जैसा कि सरकार शासन और हमारे निर्देश की मंशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा पर जन जागरूकता अभियान, इसके बारे में इस संबंध में आज दो दिवसीय वेबिनार का अपने किया जा रहा है। जैसा नीट के संबंध में मुख्य बात कि स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव राष्ट्रीय और उनके दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाना है। किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य कि राशि सांस्कृतिक इसी परिपेक्ष में लाई गई है संबंध में के विचार सुनेंगे और उन विचारों से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। इन शब्दों के
जोड़िए भैया। अच्छा था, थैंक यू। ठीक ठीक आपको ना इंसर का फंस गया। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अपने प्राचार्य श्री देवेंद्र गुप्ता जी की बातों को नहीं सुन सके। हम लोगों को बहुत बहुत अफसोस है और ये कल हम लोगों को हमारे जो वो कहना चाहते थे हम लोग सुनने से वंचित रह गए हैं। और मगर ये समय है, समय का चल चलता रहता है और हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच बड़े ही फख्र की बात है कि हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मसालेदार, हमारे मार्गदर्शक, हमारे बीच मौजूद हैं हमारे मसालेदार, हमारे मार्गदर्शक, सादगी के पैकर और शिक्षा जगत की वह शख्सियत जिनका हमारे बीच मौजूदगी ही हमारे लिए गर्व की बात है। वह ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शिक्षा से संबंधित किसी को भी कैसी भी आवश्यकता पड़ी हो और कभी भी पड़ी हो तो वह आगे बढ़कर उन्होंने हमारा हम सब का मार्गदर्शन किया है। मेरा उस सितारा से तात्पर्य है श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल बरेली। आप मौजूद हैं, ये फख्र है मासूम
आप मौजूद हैं, ये फ़ख्र है मासूम, आपके आने से रोशनी बढ़ गई, आपके आने से रोशनी बढ़ गई हमारे। अब इसी शेर के साथ मैं श्री प्रदीप कुमार सिंह जी का स्वागत करता हूं। आप हमारे मुख्य अतिथि भी हैं कि वो आएं और नई शिक्षा नीति 2020 पर हमारा मार्गदर्शन करें। श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, संयुक्त शिक्षा निदेशक बरेली मंडल बरेली। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे डायट परिवार को इस शानदार कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। एक अनुरोध है कि क्योंकि लोग अभी मैच्योर नहीं हो पाए हैं, ये जो लोग फंक्शन में नहीं है वो अपने माइक को तो म्यूट कर ही दें, वीडियो को भी म्यूट करें। ये कोई अवनी लता जी हैं, बार बार ये अपने आप को प्रेजेंट मोड में ला दे रही हैं, तो इससे सबको डिस्टर्ब हो रहा है। अवनी लता, आप प्रेजेंट मोड में मत रहिए, आप अपना वीडियो फिर आ गई आप। अवन लता जी, आप अपना वीडियो भी म्यूट कर दीजिए और साउंड भी म्यूट कर दीजिए, नहीं तो ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा। केवल आपके नाते जब प्राचार्य डायट बोल रहे थे तब भी लगातार आप प्रेजेंट मोड में आ जा रही, आप उसको स्टॉप करिए। अवन लता, आपको दिक्कत हो रही, किसी से पूछ लीजिए। आप स्क्रीन पर आपका ही, अब ये सौम्या मिश्रा प्रेजेंट में आ गई। ये आप लोग ये जान लें कि अगर कोई वक्ता बोल रहा है तो आप प्लीज अपना माइक और वीडियो हो सके तो दोनों म्यूट कर दीजिए। अब देखिए सौम्या मिश्रा जो है वो प्रेजेंट करने लगी। चलिए ठीक है, आप सबको बहुत बहुत बधाई पूरे डायट परिवार को इस बात के लिए कि पूरे प्रदेश में एक बहुत अच्छा सेंसिटाइजेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें डायट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये बहुत ही शुभ संकेत है और पूरे शिक्षा विभाग के लिए अत्यंत ही गौरव का विषय है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आज चर्चा करेंगे और ये लगभग 58 लोग जुड़े हुए हैं, प्राचार्य डायट भी, देवेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। तमाम आपने इस क्षेत्र के जो आपके एक्सपर्टाइज रखते हैं उनको आपने इसमें बुला रखा है। आप सबको बारी बारी से, सौम्या मिश्रा प्लीज आप अपना म्यूट कर दीजिए वीडियो, आप बार बार प्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा अभियान सा चला है लोगों को सेंसिटाइज करने का, लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का। SERT के लेवल पर प्रयास किया जा रहा है, ISC के लेवल पर जो आपका प्रयागराज का संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ एजुकेशन, उन्होंने तो वेबिनार की एक पूरी सीरीज चलाई और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से MET के सहयोग से उन्होंने सबको सेंसिटाइज करने का कार्य किया। यहाँ बरेली में, शाहजहांपुर में डायट ने बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाया और बहुत शेड्यूल्ड, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बरेली कॉलेज के प्रोफेसर को इन्वाइट किया और सबको टॉपिक अलग अलग दे करके अलग अलग दिनों में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी अपने शेड्यूल बनाए होंगे और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग लोग प्रेजेंट करेंगे। इस कार्यक्रम के कन्वेनर हैं ये बचियतुल्लाह जी, ये हमारे बहुत ही प्रिय रहे हैं और बहुत ही सलीके से ये कार्यक्रम को इसकी निजामत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। पूरे डायट परिवार को बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, चूंकि आपके पास वक्तागण है इसलिए बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रख करके आपको बिल्कुल ये अवसर देना चाहूंगा कि सब लोग अपनी अपनी बात रखें। एक जो बेसिक अंतर है, आपने महसूस किया होगा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके पहले जो आपने सुना होगा नई शिक्षा नीति नाम दिया जाता था। अब दोनों में जो मूलभूत अंतर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यापकता, उसका फलक कितना विस्तीर्ण है, उसके शीर्षक से ही अनुमान लगाया जा सकता है। पहली जो हमारी ये तीसरी शिक्षा नीति है, इसके पहले 64-66 में जो प्रोसेस हुई थी और 68 में इंप्लीमेंट हुई, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहली शिक्षा नीति आई थी, दूसरी
86 में आई, आपने आचार्य राम मूर्ति का नाम सुना होगा, फिर 92 में ये रिवाइज हुई और अब 34 साल बाद ये तीसरी शिक्षा नीति 2017 में कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में ये गठित हुई थी कमेटी, जिसने 2019 में मसौदा अपना प्रस्तुत किया था और उस मसौदे में जो बातें फाइनल ड्राफ्ट के रूप में 2020 में जब कैबिनेट ने अप्रूव किया तब ये अस्तित्व में आई है। अब ये ड्राफ्ट जो है हमारी तमाम पूरे देश भर में प्रदेशों से तमाम सुझावों के बाद संसद में एक बहस के बाद कानून का रूप लेगा, इसके बाद ही अस्तित्व में आएगा। जो मोटी मोटी बातें हैं, आपका जो ये डायट द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये महज औपचारिकता बन के न रह जाए, जो इसका मोटिव है, जो उद्देश्य है इस कार्यक्रम को आयोजित करने का, उसके पीछे कंसेप्ट यह है, उसके पीछे संकल्पना यह है कि इसमें जो प्रस्ताव दिए गए हैं उस पर आप क्या विचार रखते हैं, उसके पक्ष में या विपक्ष में, या कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है आप चाहते हैं कि जुड़ जाए। मैं एक चीज इसमें आपके जो वक्तागण हैं बड़े महाविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जब प्रोफेसर सॉरी टीएसआर सुब्रमण्यम साहब इस कमेटी में थे भारत सरकार के एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी, तो मैं बनारस में 2015 में ज्वाइंट डायरेक्टर था, उस समय वो पूरी टीम बनारस आई हुई थी, मैं लाइजनिंग अफसर था। जब बाबतपुर एयरपोर्ट पर मैं उनको रिसीव करने गया, उतरा वहां पर, वो जब उतरे वहां पर तो गाड़ी में बैठते ही उनका जो पहला प्रश्न था टीएसआर सुब्रमण्यम साहब का, उन्होंने कहा कि एक बात जो हम लोग बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए यह आवश्यक है, अवनिता और सौम्या मिश्रा ये दो लोग भाई, इनको आप किसी तरीके से होस्ट के रूप में इनको रोकिए, ये दो लोग लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, अवनिता और सौम्या मिश्रा, ये अपना माइक अगर म्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने ऑडियो और जो है वीडियो, तो ये सबके लिए दिक्कत होगी, ना केवल मेरे लिए बल्कि सबके लिए दिक्कत होगी। तो ये टीएसआर सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि एक उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए आवश्यक है कि गुरु और शिष्य के संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। इधर के दशकों में इन संबंधों में इतनी ज्यादा गिरावट आई है, उससे शैक्षणिक वातावरण भी दूषित हुआ है, जो एक आदर्श शैक्षिक वातावरण होना चाहिए वो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस पर मंथन करना होगा, इस पर विचार करना होगा कि ये गिरावट क्यों आई और इसके मूल में कारक क्या है, आगे हम इस पर क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इन गुरु शिष्य संबंधों को फिर अपनी पुरानी स्थिति में लाएं कि एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो सके। मुझे अब तक जो मैंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पढ़ा है, इसमें कहीं भी इस बिंदु पर फोकस नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग जुड़े हुए हैं इस पर अगर कोई बढ़िया ड्राफ्ट दे सके, बढ़िया योजना बता सके, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनके प्रस्ताव डायट के माध्यम से एससीईआरटी को जरूर भेजे जाए। मैं ये चर्चा कर रहा था 34 सालों बाद जब ये 2020 में कैबिनेट द्वारा पास किया गया है, इसकी जो मोटी मोटी चीजें हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एक तो जो सबसे बड़ी चीज है मानव संसाधन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया। एक जो 1.6% टोटल जीडीपी का अब तक का एजुकेशन पर परिव्यय है, जो खर्च है, उसको 6% ले जाने की बात कही गई है, जो बहुत बड़ा स्टेप है। इसके अलावा आपने जो एक सुना होगा 5+3+3+4, इसके पहले जो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी वो 10+2 मॉडल की थी। 10+2 में हम जब बच्चा 6 साल का हो जाता था तब उसको हम प्रवेश देते थे कक्षा 1 में। इस अवधारणा को पूरी तरह से चेंज किया गया है। जो आप ये डिजिट देख रहे होंगे 5+3+3+4, ये 5 जो है जो पहला 3 साल है वो हमारा वो है जिसे हम प्री प्राइमरी कहते हैं। प्री प्राइमरी का कंसेप्ट इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आया है, तो पहला जो 3 साल है वो प्री प्राइमरी का और अगला कक्षा 1 और 2 को मिला करके 3 और 2 ये 5 है, और अगला जो +3 है वो 3+3 है वो 6, 7, 8 है, और अगला जो 4 है वो 9, 10, 11, 12 है। तो नई शिक्षा नीति
86 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये मूलभूत अंतर है कि ये पूरा सिस्टम ही बदलने की बात कही गई है। जो हम दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है कि एक जिस पर काफी विचार सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के आ रहे हैं, उसमें ये बात कही गई है कि आपको मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए कक्षा 5 तक, हो सके तो कक्षा 8 के बाद भी इसके संवर्धन पर जो है जोर दिया जाए। इसके बारे में कुछ लोग अलग से विचार रख रहे हैं, उनका कहना है कि अरे आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे तो प्लीज अवन लता जी आपसे अनुरोध है, बार बार आप सबको डिस्टर्ब कर रही हैं। सौम्या मिश्रा ने क्विट कर दिया, आप भी बेहतर होगा क्विट कर जाएं, अगर आपको हैंडल करना नहीं आ रहा है तो आप क्विट कर जाइए। तो ये जो मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है उस पर उसका कंसेप्ट बहुत वाइड है। हमारे जो शिक्षक जो विद्वजन इससे जुड़े हुए हैं वो सहमत होंगे कि जो बच्चा 7-8 साल का होता है वो जितना जिस भाषा में वो जी रहा है, जिस भाषा में वो खा रहा है, जिस भाषा में अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, जिस भाषा में अपने हम उम्र के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, उसी भाषा में वो ग्रहण करने की भी क्षमता रखता है। बनिस्बत कि आप उसको स्कूल में 5 घंटे ले जा करके उसको अंग्रेजी में कोई चीज समझाइए तो वो केवल औपचारिकता मात्र रह जाएगी, वो ग्रहण उतने बढ़िया ढंग से नहीं कर रहा है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि आप अंग्रेजी न पढ़ाइए, इसमें ये कहा गया है कि मातृभाषा पर जोर दीजिए, मातृभाषा में उसको सारी चीजें बताइए तो वो बेहतर ढंग से, एक जो हमारी जो संकल्पना है शानदार समर्थवान नई पीढ़ी की, वो संकल्पना साकार हो सकेगी। तो इसके पीछे बड़ा वाइड कंसेप्ट है। मैं एक उदाहरण सबको मैं बरेली का हमेशा देता रहता हूँ, जो लोग बरेली से जुड़े होंगे वो जानते होंगे विद्या को विद्या और विद्यालय को विद्यालय ही कहता है हर व्यक्ति, चाहे वो आईएएस में सेलेक्ट हो गया हो, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, चाहे हमारे इंटर कॉलेज या बेसिक शिक्षा परिषद में टीचर हो, वो कभी विद्यालय नहीं कहता है, वो विद्यालय ही कहता है। सिर्फ इसलिए कि जब उसने प्राइमरी कक्षा में प्रवेश लिया था तो वहां विद्यालय ही पढ़ाया गया, और विद्यालय कहने के नाते ही अब वो उसने उस समय ग्रहण कर लिया। अब उनको आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कराइए कि नहीं विद्यालय कहिए, वो विद्यालय नहीं कहेंगे, वो विद्यालय विद्यालय ही कहेंगे। तो इसके पीछे बहुत वाइड कंसेप्ट है और उसको सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए। और हमारे ज्ञान को विस्तार देने के लिए तमाम जो पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को का आप ओवरव्यू देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें तमाम संस्थानों की स्थापना की बात कही गई है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित एक राष्ट्रीय मिशन की, जो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कही गई है, वो केवल आपके ज्ञान को विस्तार देने के लिए कहा गया है। दूसरी चीज जो एक कहा गया है कि भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आप जानते होंगे कि दुनिया की तमाम भाषाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य, वैज्ञानिक जानकारियां और बौद्धिक संपदा भरी हुई है, हम उसको इसलिए नहीं जान पाते हैं कि उस भाषा से हम बहुत अवेयर नहीं होते हैं। अंग्रेजी के अलावा तमाम भाषाएं हैं, हम लोग अंग्रेजी साहित्य पढ़ते समय जैसे पढ़ते थे कि स्पेनिश लिटरेचर में सर्वेंटीज बहुत बड़े नॉवलिस्ट हुए और उनका डॉन क्विक्सोट बड़ा फेमस था। अब इस तरह के संस्थान की जब स्थापना हो जाएगी तो निश्चित रूप से हमारी जो ज्ञान का जो भंडार है उसमें वृद्धि होगी और हम तमाम भाषाओं से, तमाम साहित्य से, तमाम जानकारियों से परिचित होंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड जो इंटरप्रिटेशन के साथ साथ पारसी, पाली, प्राकृत के लिए भी राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने की बात कही गई है। बहुत डिटेल हो जाएगा अगर मैं ये बताऊं कि जो पेडागॉजी पर बहुत जोर दिया गया है, कहा गया है कि हमारा जो फोकस हो लर्निंग पर, हमारे शिक्षा के केंद्र में बच्चे हों, रटने की प्रवृत्ति जो है, हमारी जो वर्तमान परीक्षा पद्धति है, जो परीक्षा प्रणाली है, उसको आप चेंज करिए, इस तरह से चेंज करिए कि हम रटने के बजाय लर्निंग पर फोकस कर दें, हम कोचिंग पर निर्भर होने के बजाय लर्निंग पर पूरी तरह से आश्रित हो जाएं। कोचिंग को इवेल्युएट करने की बात कही गई है, कोचिंग को एलिमिनेट करने की बात कही गई है, और वो जो एग्जाम रिफॉर्म है उनके जरिए ही किया जा सकता है, उसको लेकर के ये कहा गया है कि आप सेमेस्टर पद्धति अपनाइए, 6-6 महीने के सेमेस्टर होंगे तो निश्चित रूप से आप
जो है हमारी जो बच्चों के पढ़ने की जो सस्टेनेबिलिटी है और जो टीचर्स की पढ़ाने की जो सस्टेनेबिलिटी है वो दोनों बनी रहेगी, तो ये सेमेस्टर वाइज परीक्षा प्रणाली लागू करने के पीछे एलिमिनेट करने की बात है कोचिंग सिस्टम को और लर्निंग पर फोकस करने की बात है। एक वोकेशनल एजुकेशन में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि कक्षा छह से ही लागू करिए और वहीं से इंटर्नशिप शुरू करिए, ये बहुत अच्छा है। आपको शुरू से ही आप अपना जो आपका माइंडसेट है उसके हिसाब से अपनी फील्ड चुन लीजिए। हमारी अपर मुख्य सचिव महोदया ये कह रही थी कि जो प्रदेश शासन की जो एक महत्वाकांक्षी योजना ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उससे भी हम इस व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ेंगे तो उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा 86 में जब नई शिक्षा नीति आई थी तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCERT ने तैयार किया था काफी बाद में बन करके आया, और इसमें भी वो चीज कही गई है कि NCERT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाएगा और उस पर आगे चल करके हमारा पूरी तरह से इस जो है शिक्षा का पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बेस जो है उस पर डिपेंड करेगा। कक्षा 10 और 12 की परीक्षा पद्धति की परीक्षा सुधार की जो बात हमने कही थी उसके पीछे जो उद्देश्य था उसमें एक चीज ये भी कही गई है कि मल्टीपल च्वाइस टाइप के क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न भी दोनों पार्ट रहे। मेरा सुझाव है कि दोनों पार्ट रहे, बहुविकल्पीय भी रहे वर्णनात्मक भी रहे। तो हम राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की बात कर रहे थे, उसी में एक परख संस्थान की स्थापना की बात कही गई है। ये नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा जिसको एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये दी गई है कि परख के जरिए, नेशनल असेसमेंट सेंटर के जरिए हम 360 डिग्री प्रगति कार्ड बनाएंगे। जो रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चों की, जो मार्कशीट होती है, उसको हम 360 डिग्री पर फोकस करेंगे। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे होंगे वो जानते होंगे कि 360 डिग्री जो मल्टी डायमेंशनल आपका जो प्रगति कार्ड होगा वो मेरे बच्चे लखनऊ में जब पढ़ते थे कक्षा 2, 3, 12, 13 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो कक्षा 2 के बच्चे को जो मार्कशीट मिली तो मैं चौंक गया था, वो रही होगी 10 पेज की। उसमें बच्चे का पूरा बिहेवियर, उसका इंटरेक्शन, किस विषय में रुचि लेता है, प्रश्नों के जवाब कैसे देता है, टीचर से बिहेवियर उसका कैसा रहता है, अपने समकक्षों के साथ उठता बैठता कैसे है, स्कूल की छुट्टी होने पर कैसे निकलता है, उसको छुट्टी की कितनी जल्दी रहती है, ये इतना बढ़िया साइको एनालिसिस था। वही कंसेप्ट है ये 360 डिग्री जो रिपोर्ट कार्ड है, वही कंसेप्ट है कि आप जब इस तरह का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे तो जो आपकी पेरेंट टीचर की बैठक होती है में ऊपर आप ज्यादा फोकस कर पाएंगे, और ये जो रिपोर्ट कार्ड होगा ये स्कूल और घर के बीच में एक कड़ी का काम करेगा। उससे आपके पेरेंट भी जुड़ेंगे, उससे टीचर भी जुड़ेंगे, और तो निश्चित रूप से जब ये सब चीजें होंगी, जब इस पर हम ज्यादा फोकस कर पाएंगे तो हमारे जो हमारा मूल उद्देश्य है कि शिक्षा को मल्टी डायमेंशनल बनाना, बच्चे के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास करना, उसकी पर्सनालिटी को टोटल पर्सनालिटी के रूप में डेवलप करना, उसको हम उस पर सफल हो पाएंगे। शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक की बात कही गई है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर की बात कही गई है। अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा डिजाइन करने की बात कही गई, वो भी NCERT ही तैयार करेगा। एक जो बात कही गई है हायर एजुकेशन में, बड़ा उस पर बड़ी चर्चा हो रही है कि एग्जिट पॉलिसी की बात कही गई, हालांकि उसके विरोध में भी कुछ लोग आए हैं अब तक की जो बहस हो रही है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो बाध्यता रहती है कि पूरे 3 साल या 4 साल का जो ग्रेजुएशन का कोर्स है उसको पूरा ही करना है, अगर कोई फर्स्ट ईयर छोड़ देता है तो हम उसको सर्टिफिकेट की डिग्री दे देंगे, दूसरा साल कर लेता है तो एडवांस डिप्लोमा की डिग्री दे देंगे, और तीसरे पर हम पूरी डिग्री देंगे, चौथे पर रिसर्च के साथ डिग्री देंगे। एग्जिट पॉलिसी है, एक तरह से एग्जिट करने की बात है। इस पर जो नेगेटिव में विचार आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं इससे तो लोग ड्रॉप आउट की स्थिति बढ़ेगी, फर्स्ट ईयर पढ़ने के बाद कह देंगे चलो हमें एक डिग्री तो मिल गई, एक सर्टिफिकेट मिल गया, सेकंड ईयर करने के बाद कहेंगे हमें एक डिप्लोमा तो मिल गया, चलिए अब छोड़ देते हैं। लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपने 1 साल 2 साल की जो पढ़ाई की है वो जाया नहीं जाएगा,
वो आपके हक में रहेगा, उसकी उसका आपको एक प्रमाण पत्र के रूप में उसको मान्यता दी जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन लेवल पर जो ड्रॉप आउट की बात है वो 26.3% है। ये कहा गया है कि आप इसको इस तरह से डेवलप करेंगे, सीटों की संख्या बढ़ाएंगे, 3.5 करोड़ सीट कर देंगे, 50% 2018 में जो 26.3% है इसको 50% तक ले जाने की बात कही गई है। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो आपके मार्क्स वगैरह होते हैं इनको सुरक्षित रखने के लिए एक डिजिटल बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के डिजिटल बैंक के रूप में रखने की बात कही गई है। एक बहुत अच्छी चीज ये कही गई है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे IIT और हमारे IIM ने पूरी दुनिया के फलक पर अपना अपनी प्रतिभा का डंका बजा दिया है, प्रतिभा का लोहा मनवा दिया है। दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों के CEO, दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों के मैनेजिंग डायरेक्टर आपके IIT या IIM से निकले हुए हैं और वो भारतीय मेधा का परचम फहरा रहे हैं। इससे जो है प्रोत्साहित होकर के मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी इन्हीं के तर्ज पर स्थापित करने की बात कही गई है। ये जब अपने मूर्त स्वरूप में आएगा तो ये बहुत बड़ी क्रांति होगी शिक्षा के क्षेत्र में, और ये बहुत बड़ा स्टेप है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस क्षेत्र में भी हम ये चाहेंगे कि लोग अपने सुझाव दें कि इन सब का स्वरूप क्या होगा। मोटी मोटी चीजें मैंने बता दी। मैं ये कहना चाहूंगा कि डाइट के लेवल पर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, प्राचार्य जी देवेंद्र गुप्ता जी मेरी बात सुन रहे होंगे, इसका डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, बेहतरीन ढंग से इसका डॉक्यूमेंटेशन करवाएं और लोगों के सुझाव लें और उसको डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद SCERT को भेजें। इसमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए जो टीचर हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो आगे आए और यह ना सोचें कि हमारे सुझाव को कौन जो है बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देगा। निश्चित रूप से आपके सुझाव पर अमल होगा, आपके दिमाग में जो भी चीज आ रही हो। बरेली में हमारे कई टीचर्स ने मेरे इंडिविजुअल मेल पर तमाम सुझाव भेजे हैं, बड़े अच्छे अच्छे लैंग्वेज पर सुझाव भेजे हैं, हमारी माध्यमिक शिक्षा का सिस्टम कैसा होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन में रिफॉर्म किस तरह के होने चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उन्होंने कहा है कि टीचर्स को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई जानी चाहिए। मैंने एक सुझाव भेजा है अपनी तरफ से कि एक इस तरह का फ्रेमवर्क हम तैयार करें कि जो हमारे उत्कृष्ट टीचर हों उनको चिन्हित करने के लिए एक एक्शन प्लान बने और इसके बाद उन टीचर्स को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या बड़े पुरस्कारों से मॉनेटरी के रूप में जो है 10 लाख के पुरस्कार हों, 20 लाख के पुरस्कार हों टीचर्स को दिए जाएं तो वो कोई अपना प्रोजेक्ट बना सके, नई विधाओं से पढ़ाई कर सके। इस तरह की बातें आनी चाहिए कि हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे करके वो बहुत अच्छे ढंग से सम्मानित करके उन्हें एक प्रोजेक्ट दे करके उनकी प्रतिभा को, आपने देखा होगा कि ये COVID-19 एक आपदा तो जरूर थी लेकिन एक अवसर के रूप में आई। हमारे इतनी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं जिनको पेडागॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन का जबरदस्त अनुभव है, उन्होंने अलग अलग तरह से नवाचार किए हुए हैं, वो लोग इसमें निकल करके आए हैं। इन प्रतिभाओं को कि जो इनका हुनर जो है उसको आगे ले आने की जरूरत है। हम इन्हें इस तरह से आगे ले जाएं कि और भी शिक्षक उससे प्रोत्साहित हों कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हम में से बहुत से जो बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए टीचर्स हैं, आपने बस्ती के डॉक्टर सर्वेश मिश्रा का नाम सुना होगा, इलाहाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, नहीं हुआ, बेसिक शिक्षा में टीचर हो गए तो उन्होंने कहा यही मेरा कैरियर है, मैं इसी को अपना कैरियर बनाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने अपने स्कूल को इस तरह से विकसित करना शुरू किया कि सबके लिए वो स्कूल आकर्षण का केंद्र बन गया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए उस स्कूल में उन्होंने जो है तमाम अवस्थापना जो सुविधाएं होती हैं, जो कंप्यूटर होते हैं, जो डिजिटाइज क्लासरूम होते हैं, सब उन्होंने साकार किया और उनकी ख्याति इस तरह की पहुंची कि उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया। और जब प्रधानमंत्री जी के साथ के समक्ष ये बात पहुंची कि बस्ती जिले का एक विद्यालय का शिक्षक ऐसा है जो तरह तरह के नवाचार कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर सर्वेश मिश्रा को नाश्ते पर आमंत्रित किया और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ ब्रेकफास्ट किया। प्रधानमंत्री जी ने तमाम उनसे अपनी बातें शेयर की। आप यह सम्मान हमें कभी मिल सकता है?
किसी सिविल सर्वेंट को मिल सकता है आईएसपीसीएस को, जो सम्मान डॉक्टर सर्वेश मिश्रा को एक अध्यापक के रूप में मिला। तो इस तरह से अपने हुनर को, अपनी प्रतिभा को दिखा रहे लोग। और आगे आपके अतिथि जो विद्वजन आए हुए हैं, आप सबने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस वेबिनार के सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त डाइट प्रवक्ता परिवार के आपका आभारी रहेगा कि आपसे अपना टीम से जाना है। हम लोग समझते हैं कि आप इतनी बिजी पर्सन हैं और आपका एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत ही कीमती है, मगर फिर भी आपने हम लोगों की समस्त डाइट की हौसला अफजाई की कि आप आए और हम लोगों को बारीकी से उन बातों को बताया जो चीज़ें हमारे वहम गुमान में भी नहीं थी। इसके लिए हम और हमारा सारा डाइट स्टाफ आपका शुक्रगुजार है। ऐसे ही हमारे बीच एक और विद्वान भी मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में बहुत काम किया है तथा जिनका नाम भारत के कोने कोने में मशहूर है। ये वो शख्सियत हैं जिसके पढ़ाए हुए बच्चे अपनी खुशबू से शिक्षा जगत की बगिया को महकाए हुए हैं। इस महान शख्सियत से मेरा अभिप्राय डॉक्टर रमेश द्विवेदी जी, एसोसिएट प्रोफेसर एंड डीन ऑफ फैकल्टी एजुकेशन वाराणसी से है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर बारीकी से रोशनी डालेंगे। और ये वो शख्सियत हैं कि अगर इनके बारे में कहा जाए कि ज़िंदगी चाहिए खुशबुओं की तरह, ज़िंदगी चाहिए खुशबुओं की तरह जो दिखाई न दे और असर छोड़ दे, यकीनन जब आप लोग इनकी बातों को सुनेंगे तो उनकी खुशबुओं का और उनकी शख्सियत का एहसास होगा। मैं बहुत ही अदब से श्री द्विवेदी जी को, डॉक्टर रमेश द्विवेदी जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आएँ और हम लोगों के बीच अपना तजुर्बा और अपनी बात रखें। श्री द्विवेदी जी, हाँ द्विवेदी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बोले हम लोग सुन रहे हैं। हाँ आवाज आ रही है। ठीक ठीक इस वेबिनार में उपस्थित ज्वाइंट डायरेक्टर बरेली डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, डायरेक्ट प्राचार्य देवेंद्र गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के समन्वय पीताम्बर चौरसिया जी, डॉक्टर वदीयतुल्ला जी, डॉक्टर एस एन वर्मा जी, कमल कुमार सिंह जी एवं अन्य सभी विद्वतगण एवं मित्रों सहभागियों, ये मेरे लिए बहुत सुखद अवसर है कि डायरेक्ट हरदोई की ओर से मुझे निमंत्रण मिला। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने मुझे याद किया इस काम के लिए। अभी देवी साहब बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत ही मुख्य मुख्य बातों को आपके सामने रख दिए और नई शिक्षा नीति में जो खास बातें थी उनको लगभग उन्होंने कवर कर दी। यद्यप नई शिक्षा नीति पे बोला जाए तो कई दिन तक बोला जा सकता है, लेकिन जो मेन बातें थी वो आपके सामने रख दी। मेरे लिए जो टॉपिक आपकी तरफ से दिया गया था वो था कि बुनियादी शिक्षा पे नई शिक्षा नीति का प्रभाव।
अब अभी नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू ही नहीं हुई है, तो हम बुनियादी शिक्षा नीति पे इसका प्रभाव तो नहीं देख सकते हैं कि क्या पढ़ा है। लेकिन हाँ ये जरूर देख सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में नई शिक्षा नीति में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं और उन प्रावधानों से किस तरह और लैटिन अमेरिका के देशों की थी प्लस अरेबियन कंट्रीज थी, इन देशों में बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में बहुत काम करना बाकी था। हम 1990 में तीसरे कैटेगरी में लगभग बीच में थे, हमारे देश में बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारा काम करना बाकी था। खैर वहां से हम एक संकल्प लेके आए कि हम अगले 10 वर्षों में बुनियादी शिक्षा में काफी काम करेंगे और काम करने के बाद हम बुनियादी शिक्षा में अपने को स्थापित कर लेंगे, लगभग यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच में नई शिक्षा नीति 86 के संदर्भ में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और इस तरह की योजनाएं आई और उसमें हमने नए स्कूलों को खोलना शुरू किया। उसी में ये स्कीम भी थी कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल रहेंगे, 3 किलोमीटर के अंदर अपर प्राइमरी स्कूल रहेंगे, तो हम इन चीजों को करना शुरू किए। लेकिन 10 साल के बाद जो जमेटियन कॉन्फ्रेंस के बाद एक ड्यू डेट था कि हम 2000 में जब मिलेंगे तो अपनी अपनी प्रगति को बढ़िया से सबके सामने रखेंगे, जब हम 2000 में मिले तो हमारे देश की प्रगति जिस स्तर की होनी चाहिए थी उस स्तर की नहीं हो पाई, बल्कि हमारी प्रगति हम फिर भी उन्हीं तीसरे ग्रुप के कंट्रीज में रह गए और लगभग उसी पोजीशन पे भी रहे। इन द मीन टाइम ये इतिहास आपको पता होगा चूंकि आप गायक के हैं और सभी लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान को जरूर देखा होगा, तो डकार में जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था उस डकार कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय किया गया वहां पे 15 वर्षों का एक कार्यक्रम बनेगा और 15 में हम विश्व के जितने भी देश हैं वो सभी एजुकेशन फॉर ऑल की दिशा में काम करेंगे, माने सबके लिए शिक्षा के संदर्भ में सभी देशों का काम होगा, जिनको दिक्कत होगी उनको उनकी मदद की जाएगी, लेकिन सबको एजुकेशन फॉर ऑल को अचीव करना 15 साल का टारगेट दिया गया कि 2015 में हम लोग मिलेंगे और 2015 तक सब लोग इसको अचीव करेंगे। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो बहुत इंथुसियास्टिक होते हैं, हमने कहा साहब 15 साल बहुत ज्यादा होता है, हम 10 साल में कर लेंगे इसको। और हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की जो प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सफल योजनाओं में से भी गिनी जाती है, वो थी सर्व शिक्षा योजना SSC। सर्व शिक्षा योजना में लक्ष्य रखा गया कि 2003 तक हम सभी बच्चों को स्कूल लेके चले आएंगे, 2007 तक हम सभी बच्चों को 5वीं क्लास तक की शिक्षा दे देंगे, 2010 तक हम सभी बच्चों को 8 की शिक्षा दे देंगे, फिर उसके आगे और भी बात कही गई कि जो शिक्षा देंगे वो गुणवत्ता युक्त होगी, हम जेंडर डिस्पैरिटी को खत्म कर देंगे, हम कास्ट डिस्पैरिटी को खत्म कर देंगे, हम कम्युनिटी डिस्पैरिटी को खत्म कर देंगे, माने हम किसी भी तरह की डिस्पैरिटी को नहीं रहने देंगे, जो शिक्षा देंगे गुणवत्ता युक्त होगी। और 2010 तक हम इस स्थिति में होंगे कि हम कहीं भी वर्ल्ड फोरम पे ये कह सकें कि नहीं, हमने प्राइमरी एजुकेशन की दिशा में बहुत काम किया है और हम अब काफी आगे बढ़ गए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, 2001 में हम सर्व शिक्षा अभियान लेके आए और 2001 के अंत और 2 में हमने पार्लियामेंट में एक बिल भी पास किया जो राइट टू एजुकेशन बिल के नाम से जाना। राइट टू एजुकेशन बिल में प्राइमरी एजुकेशन को संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार बन जाने के बाद कोई समस्या नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद समस्याओं का एक नया दौर शुरू हुआ और जिस 2010 तक हम सबके लिए शिक्षा प्राप्त कर लेना चाह रहे थे, 2010 में जाकर के ये राइट टू एजुकेशन बिल से संबंधित जो एक्ट था वो पास होके लागू होता है। जुलाई 2009 में उससे संबंधित एक पास हुआ या अगस्त में, और पहली अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन एक्ट देश में लागू हुआ। मेरे कहने का मतलब, मैं इस पूरी भूमिका को बताने के पीछे मेरा पर्पज ये था कि हम योजना बनाने में जितने अच्छे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में उतने ही कमजोर हैं।
प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बहुत ही बढ़िया योजनाएं इस नई शिक्षा नीति में बनाई। ये सच है कि बच्चों का मानसिक विकास है वो 5-6 साल की उम्र तक काफी हद तक हो जाता है, और अगर हम उन 5-6 साल की उम्र तक बच्चों को अच्छा भोजन और अच्छा ज्ञान दोनों दें तो निश्चित रूप से उनका जो विकास है वो एक सही दिशा में होगा। इसी चीज को ध्यान में रख करके हमारे शिक्षाविदों ने इस जो स्ट्रक्चरल चेंज की बात कही है, जो अभी जेडी साहब कह रहे थे कि हमने 10+2 को बदल के 5+3+3+4 की स्कीम को लागू किया। ये 5+3+3+4 क्या है? 5+3+3+4 में पहला 5 साल हमारे इनमें एकदम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के संदर्भ में है। उस 5 साल को भी 2 भाग में विभाजित किया। पहला भाग जो 3 साल का है प्री प्राइमरी एजुकेशन के संदर्भ में है, जिसको आंगनबाड़ी या बालवाड़ी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ये जो शुरुआती 3 साल ये हमारे देश की NP86 में भी इसके संदर्भ में बात की गई थी कि नहीं शुरुआती 3 साल की भी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। इस बार उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की गई है, लेकिन अब संकट यहां से ही शुरू हो जाता है। जब हम शुरू के 3 साल के बच्चे को विद्यालय ले जाते वहीं से संकट भी शुरू हो जाता है। हमारे पास 2-3 तरह के विद्यालय है। एक तो वो विद्यालय है जो पूरी तरह सुविधा संपन्न लोगों के लिए है, जहां पे 3 साल के बच्चे के को रखने के लिए 5-7 हजार 10 हजार रुपए महीना तक की फीस लगती है, और बच्चे को वहां पे एक बहुत ही अच्छे एनवायरमेंट में साफ सुथरे वातावरण में और अच्छे लोगों के अच्छे परिवेश के बीच में रखा जाता है। एक दूसरा क्रेच टाइप का सिस्टम है जहाँ पे कुछ बच्चों को रखा जाता है, यदि वो बहुत फॉर्मल सिस्टम नहीं है। और एक जो हमारे गांव के बच्चों के लिए है वो आंगनबाड़ी का सिस्टम पहले से चल रहा है। अभी इन्हीं इसी आंगनबाड़ी सिस्टम को हम इंस्टीट्यूशनलाइज करके और फॉर्मल एजुकेशन की श्रेणी में लेकर के आने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो हमारी की है वो 3 साल के सभी बच्चे अगर उस विद्यालय उस आंगनबाड़ी में पहुंच गए गांव तो क्या उनको संभाल पाएंगे? सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि अगर हम बच्चे को बुला लें और वहां पे संभाल ना पाए तो बड़ी दिक्कत है। हम बच्चे को बुला लें और उनसे अच्छी बात ना कर पाए तो बहुत दिक्कत हो। हम बच्चे को बुला लें और उसके घर से भी खराब एनवायरमेंट दें तो भी बड़ी दिक्कत हो। बच्चा जहां डेवलप होना चाहिए वहां पे वो और कमजोर होता जाएगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर शासक लोग हमारी बात को सुन रहे थे तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मेरे समझ में आती है कि प्राथमिक बुनियादी शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारी आंगनवाड़ी केंद्र, पहले तो उनका नाम आंगनवाड़ी से बदल के कुछ भी और, जैसे इसमें बालवाड़ी स्कूल तो बाल वाटिका ही रखिए, लेकिन बाल वाटिका में बिल्कुल वो वाटिका हो, वहां पे नेचर की भी समीपता हो, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि शुरुआत में बच्चे को आपको प्रकृति के साथ रखना चाहिए, कृत्रिम वातावरण में बच्चा उतना अच्छा नहीं सीख सकता। तो जो हमारी बाल वाटिकाएं हो उनमें साफ सुथरे कमरे हो, आसपास हरियाली हो, कुछ पेड़ पौधे हो, और उनमें बच्चों को मैनेज करने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही कुशल, मैं फिर कहूंगा बहुत ही कुशल और कर्मठ कार्यकर्ता होने चाहिए। अभी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि उनसे मेरा बहुत कोई ताल्लुक तो नहीं रहा है, लेकिन जितना मैं सुना हूं वो बहुत अच्छा संदेश नहीं देता है। लेकिन अगर हमें अपने गाँव के अपने घर के 3-6 साल के बच्चे को उन केंद्रों पर भेजना है तो निश्चित रूप से हर गांव में जो बाल वाटिका हो वो बाल वाटिका उस गांव का सबसे सुंदर घर होना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपने घर से वहां जाने की जिद करे। जो वहां पे अध्यापक हो वो अध्यापक या केयर टेकर
जो भी हूँ वो इतने अच्छे किस्म के लोग होने चाहिए बच्चों को अपना बच्चा समझ करके और जो भी करें है जिसके लिए मेथड भी दिया है कि ये मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड होगा प्लेयर बेस्ड होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं शुरुआती 3 सालों में पढ़ाना कम है लेकिन बच्चे को मैनर सिखाना है बच्चे को हमारे कल्चर को सिखाना है बच्चे को जो हमारी अच्छी आदतें हैं उनको सिखाना है नेचर से प्रेम करना सिखाना है। अगर हम शुरू के 3-4-5 साल में अपने बच्चे को ठीक से इन चीजों को सिखा लेंगे तो निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में वो बच्चा स्कूलों में जाकर के बहुत ही अच्छे विद्यार्थी के रूप में स्थापित हो। तो पूरे 3 साल या इन तरीके की 5 साल हमें कुछ नहीं करना है खाली प्लेज रखना है और इंगेज रखने में जो भी हमने बताया आपको कि जैसे सफाई हम छोटे बच्चों में सफाई की आदत डाल सकते हैं उस 3-4-5 साल के बच्चे में कि नहीं एक सफाई बहुत जरूरी है और हम जहां भी रहें अपने परिवेश में उसको साफ सुथरा रखें। इसके लिए पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसके लिए हम अपने बिहेवियर से कि हम जहां रहते हैं उसको साफ रखें बच्चे को बताएं कि साफ रहने से और ना साफ रहने में क्या अंतर होता है और फिर उससे उसके फायदे नुकसान बता करके उसके अंदर सफाई की हैबिट डाल सकते हैं। एक टीम वर्क की फीलिंग कोऑपरेटिव फीलिंग कि हम मिलजुल के काम करेंगे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा इस बट वाले नहीं होते उनको अगर हम सिखाएंगे कि तुम्हें मिलके ये काम करना है तो वो मिलके ही करेंगे खींच करके सभी बच्चों को ले जाएंगे। मैंने देखा एक सिस्टम था कि किसी पीरियड के बाद अगर बच्चों को वॉशरूम ले जाना होता है तो लाइन लगा के ले जाते थे और क्रम से एक एक रूम होता था उस हिसाब से अंदर भेजते थे फिर एक लाइन दोबारा लगते थे। वो वहां पे मैंने किसी टीचर को नहीं देखा कि वो लाइन लगवाने के लिए खड़ा है एक बार दो बार बता देने के बाद वो बच्चे डांटते हैं कि ये लाइन लगाना लेते लेकिन एक टीचर जो हो वो बच्चे से ठीक से बात करने वाला हो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री की तरह नहीं होगी जिसका सारा फोकस सिर्फ पुष्टाहार पे बच्चों के पुष्ट होने पर फोकस रखना है बच्चों के स्वस्थ रहने पे फोकस रखना है बच्चों के व्यवहार कुशल होने पे फोकस रखना है। तो हम कम्युनिकेशन सिखा सकते हैं छोटे बच्चे को कैसे बात करना है कैसे बड़ों से बात करना है कैसे छोटों से बात करना है। तो ये जो हमारे 3 साल या शुरुआती पाली का समय है वो सभी इस नई शिक्षा नीति में यही कहा गया है कि आप फॉर्मल एजुकेशन की कैटेगरी में रखते हुए भी इसमें कोई फॉर्मल क्लासरूम नहीं होगा इसमें सब कुछ खेल कूद के माध्यम से और थोड़ा बहुत जब बच्चा 1 और 2 में जाए तो कुछ न्यूमरेसी और लिटरेसी के बारे में भी हल्का फुल्का इन 5 सालों में बच्चे की कोई परीक्षा नहीं होगी लेकिन बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड फिर भी बनेगा कि जितने भी उसकी एबिलिटीज हैं जैसे अभी मैंने बताया कि उसका व्यवहार क्या है नैतिकता क्या है स्वच्छता में कैसा काम कर रहा है टीम वर्क में कैसा कर रहा है कितना कोऑपरेटिव है कितना फॉर्मल रिलेशनशिप्स को समझ रहा है उसका कम्युनिकेशन स्किल क्या है इन सारी चीजों को उसके रिपोर्ट कार्ड में आपको धीरे धीरे लिखना है या पेरेंट्स को बताना है। इन 5 वर्षों में सिर्फ पढ़ाने के नाम पे आप न्यूमरेसी और लिटरेसी यानी अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान और इन 5 सालों में कोई फॉर्मल परीक्षा नहीं लेकिन नई शिक्षा नीति में फिर ये व्यवस्था रखी गई है कि जब बच्चा दूसरा स्टेज में आएगा यानी जो दूसरा 3 साल का 5+3 है तो उस 3 में जब वो इंटर करेगा इंटर करते समय हम उसकी एक परीक्षा लेंगे जो परख की बात लेडी साहब कह रहे थे उस परख के माध्यम से ये जानने के लिए नहीं कि बच्चा कितना सीखा है बल्कि एक पूरी सामूहिक स्थिति को देखने के लिए कि यहाँ की सामूहिक स्थिति क्या है किस तरह से बच्चों को अब आगे पढ़ाया जाए।
क्योंकि पढ़ाने के लिए भी किसी भी फॉर्मल स्टेज में पढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम वहाँ के बच्चे को जाने। तो जब हम कक्षा 3 में ये बच्चा जाएगा तो वहाँ के टीचर को एक असेसमेंट सीट देंगे कि आपकी क्लास के बच्चे इस लेवल का अक्षर ज्ञान रखते हैं, इस लेवल का संख्या ज्ञान रखते हैं और इनको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो अब दूसरा जो प्रिपरेटरी स्टेज है 3 साल का, मैंने पहला तो फाउंडेशनल स्टेज था 5 साल का और दूसरा हो गया हमारा प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का है। इसमें भी ज्यादातर हमारी बातचीत जो होगी बच्चों के साथ वो प्लेवे मेथड से होगी, डिस्कवरी मेथड से होगी, यानी हम बच्चे को कुछ खोजने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि देखो भाई ऐसे करना है। एक्टिविटीज की बात होगी, एक्टिविटी मेथड वहां पे इम्प्लीमेंट होगा कि एक्टिविटीज कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चे कर सकते हैं और इंटरेक्टिव क्लासरूम रहना, वन साइडेड नहीं, जैसे अभी हमारी आपकी बातचीत जो हो रही है वो वन साइडेड, ये वन साइडेड बातचीत नहीं होनी चाहिए। टीचिंग का सबसे आसान तरीका होता है एक पक्षी जिसमें अध्यापक बोलता है और बच्चे उसको सुनते रहते हैं, सुनने के बाद वो सीखे नहीं सीखे ये टीचर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उसके लिए वो एक परीक्षा का आयोजन करता है कि हम साल के अंत में देखेंगे कि क्या। तो अभी प्रिपरेटरी स्टेज पे हमको ये नहीं ध्यान देना है कि नहीं कितना बच्चा परीक्षा में बताएगा, बल्कि इंटरेक्टिव स्टेज से हम ये देखते रहें कि बच्चा कितना सीख रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ विषय आने लगे, जैसे अभी तक फाउंडेशनल स्टेज में सिर्फ भाषा थी और थोड़ा बहुत गणित था, अब यहाँ पे भाषा गणित के अलावा कुछ और विषय भी आने लगेंगे, खासतौर से ईवीएस। ईवीएस में आपके कई सब्जेक्ट आ जाते हैं, सामाजिक विषय आ जाता है, विज्ञान भी आ जाता है, पर्यावरण भी आ जाता है। तो ईवीएस आने से बच्चे को एक इंटर डिसिप्लिनरी या इंटर सब्जेक्टियल एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वो कई विषयों को एक साथ समझ सकेगा और वो वहां पे विषय विशेषज्ञ शिक्षक भी होंगे कि अगर कहीं कोई बच्चे को दिक्कत हो रही है तो वो विषय के अंतर्गत माने अलग अलग उसको समझाए। तो ये भी खास तौर से हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, यानी बच्चे को हम सिर्फ रटने पे जोर नहीं देंगे बल्कि इस बात पे हमारा जोर होगा कि बच्चा कितना समझ रहा है। अब आप देखिए 8 साल तक बच्चा स्कूल गया इस शिक्षा नीति के हिसाब से, लेकिन इस 8 साल के स्कूल में बहुत ज्यादा कॉपी किताब परीक्षा इनकी चर्चा नहीं है। प्रश्नोत्तर है, प्रश्न को पूछना है, आपको जो भी समझ में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट मिल करके उन दोनों को सुलझाने के लिए कार्य करेंगे। तो रटना कम है, समझना ज्यादा है। अब इन 5 साल इन 8 साल के बाद जब हम कक्षा 6 में बच्चे को भेजते हैं तो वहां पर खास तौर से अब अलग अलग विषयों की पढ़ाई शुरू करने की बात कही गई है कि यहाँ पे विज्ञान अलग पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स अलग पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस अलग पढ़ाया जाएगा, ह्यूमैनिटीज अलग पढ़ाया जाएगा, ये सारे जो एरियाज हैं इनके सब्जेक्ट्स को अलग अलग पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर और अलग अलग व्यवस्थाएं। अरे कैसे आवे तुम लिंक ठीक कर जी कैसे कह रहे थे इनका नाम है सारे साथ में हां तो हम नहीं बताया था हम केवल मैंने जो है सर आप बोलिए कुछ नेटवर्क की वजह से सर्वर सिग्नल से नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा द्विवेदी जी की बात को हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, जरा 2 मिनट आप लोग धैर्य रखिए। द्विवेदी जी बहुत ही कारामत बातों को हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और इनकी बातें हमें भविष्य में बहुत फायदा देने वाली हैं, अतः आप सबसे निवेदन है कि जरा 2 मिनट आप लोग धैर्य बनाए रखें ताकि हम लोग द्विवेदी जी की बात को और अधिक सुन सकें और उनकी बातों पर
अमल करते हुए मिनट का धैर्य आप लोग रखें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? मैं आ गया हूँ, थोड़ा नेटवर्क टूट गया था, मैं दूसरे नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश किया हूँ। एनीवे, तो हेलो, कोई फीडबैक देगा? मेरी आवाज आपको मिल रही है? आवाज आ रही आप? ठीक 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 सर, ठीक सर। जी सर, बोले। तो मैं मिडिल स्टेज की बात कर रहा था और मैंने ये बताया कि हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई वहां से शुरू होगी। तो, आ रही है ना? जी सर, बोलिए आप, बोलिए। तो मिडिल स्टेज पे जब हम बात करेंगे तो ये 3 साल की जो हमारी पढ़ाई है वो साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में ये होनी है और ये सारी चीजें जो हैं वो भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेस पे ही करने की बात कही गई। खैर, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा, अभी टाइम है हमारे पास? जी सर, बोलिए। सर आप बोलिए, आपके पास पर्याप्त टाइम है सर, बोले आप। हम ठीक है, ठीक। तो सर, हम सर, ये सारी चीजें जो 8वीं क्लास तक का था और 8वीं, ठीक ठीक, 6वीं से 8वीं क्लास के बीच में आपने देखा होगा कि इस नई शिक्षा नीति में एक नई चीज जोड़ी गई है कि हम कुछ एक्सपीरियंस इस तरह का जोड़ेंगे कि अगर कोई बच्चा कुछ समय के बाद काम करना चाहता है तो वो थोड़ा बहुत अपने लिए एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ भी कर सके। नई चीजों में जैसे कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग आज के जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई है और कोडिंग को इस नीति में 6वीं क्लास के बाद ही रखने की बात कही गई है कि हम 6वीं के बाद कोडिंग को ला सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें, कुछ वर्क एक्सपीरियंसेस और भी हैं जिनको कि इसमें लागू करने की बात कही गई। अब ये सब कुछ कैसे होगा, मैंने हमारा पाठ्यक्रम कैसे होगा और इसका करिकुलम ट्रांजेक्शन कैसे होगा, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो पहली चीज करिकुलम के बारे में इस शिक्षा नीति में ये कही गई है कि हमारा करिकुलम कम किया जाएगा। जो भी आज हमारा पाठ्यक्रम है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम विषय को बोझिल बनाने के लिए, विषय को लंबा करने के लिए बहुत सारी चीजों को पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं और उनको अगली कक्षा में जाकर के भूलते रहते हैं। आप महसूस करेंगे कि आप अपने पढ़ाई के दिनों में जो कुछ पढ़ाई किए हैं उनमें से ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आपने जीवन में कभी भी प्रयोग नहीं किया और ना ही वो विषय को बहुत ज्यादा समझने में कारगर हुई है। इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि उसमें से डेड वुड्स कम हो जाए। 20-30% तक पाठ्यक्रम को कम करने की बात इस शिक्षा नीति में कही गई है और उसके बदले क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है कि हमारा जो चिंतन है, तार्किक चिंतन, वो बढ़े। हम चीजों को सोचना शुरू करें, रटने के बदले हम सोचें कि जो कुछ हो रहा है, जो भी बातें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। जैसे हम बता देते हैं बच्चों को स्टार्स के बारे में या ग्रहण के बारे में या बहुत बार नक्षत्र वगैरह के बारे में बताते हैं। कभी रात को हम उनको लेकर के छत पे बैठे और छत पर अगर उनको तारे दिखाएं तो बच्चे उन तारों के बीच में से आप अपने आप आपसे सवाल पूछेंगे कि ये क्या है और
आप उनके जवाब से अगर बच्चों को संतुष्ट कर पाए, यदि बड़ा मुश्किल होगा बच्चों को संतुष्ट कर पाना, लेकिन फिर भी जितना अपना ज्ञान होता है या जितना अध्यापक का ज्ञान होता है उसके आधार पे वो बच्चे को संतुष्ट करेगा और बच्चों को और प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित भी करेगा। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग की बात कही गई है कि एकदम रटिए मत, रटने के बदले जितना आप समझ पा रहे हैं उसको समझिए, उस पर सवाल जवाब करिए और सवाल जवाब करके आप चीजों को समझिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात हुई, और क्रिटिकल थिंकिंग के बाद जो और दूसरी मेथडोलॉजी है वो है इंटरेक्टिव मेथड। इंटरेक्टिव मेथड का मतलब है कि जो भी हमारा क्लासरूम होगा वो न सिर्फ लेक्चर बेस्ड होगा या टेक्स्ट बुक बेस्ड होगा, बल्कि हमारा जो क्लासरूम होगा वो आपसी बातचीत पे आधारित होगा। अभी तक हम अपनी क्लासेस में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बातचीत को मना करते रहे, हम उस बातचीत को अभी भी मना करेंगे जो आज मना करते हैं, लेकिन हम विषय पर आधारित एक सार्थक बहस को हमेशा क्लास में तवज्जो देंगे, क्लास में हम उसको प्रमोट करेंगे और हम चाहेंगे कि बच्चे प्रश्न पूछें और बच्चे भी जवाब दें, टीचर भी जवाब दें और सब मिल करके एक कॉन्सेंसस पे आए कि इस चीज का ये सही जवाब होगा। तो इस तरह से एक परिस्थिति बनेगी कि बच्चे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अभी देखिए अभी होता क्या है कि हमारी पूछने की आदत होती नहीं है, तो अमूमन हम जब कहीं किसी से सुनते हैं तो सुनने के बाद बंद कर देते हैं, ये होता है कि छोड़ो क्या पूछना है, कहीं पढ़ लेंगे, किताब में दिया होगा उससे पढ़ लेंगे। किताब पे डिपेंडेंसी कम करके और क्लासरूम में ही उस चीज को क्लियर कर लेना, इस पे जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति। और इसके अलावा जो मेथोडोलॉजी की बात है उस मेथोडोलॉजी में ये भी है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवजन्य अधिगम, यानी हम चीजों का स्वयं अनुभव करेंगे कि जो कहा जा रहा है क्या होता है। साइंस में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स को भी एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ते हैं, हम एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंट की तरह ही देखते हैं। एक्सपेरिमेंट का एक मेथडोलॉजी हमारी किताब में दिया रहता है, उस मेथडोलॉजी को लेते हैं और किसी तरह से हम ऑब्जर्वेशन टेबल बना करके टीचर को दिखा के खाली हो जाते हैं कि सर देखिए मैंने कर लिया। लेकिन अब जो कहा जा रहा है ये होगा नहीं होगा क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था में ये है कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे, खुद उस चीज का अनुभव करेंगे। और जब हम खुद उस किसी चीज का अनुभव कर रहे हैं तो वो चीज हमें बहुत लंबे समय तक याद हमारे जहन में रहती है, हमें उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक चीज ये है कि जो करिकुलम है करिकुलम में काफी रिडक्शन होना है और उसके लिए एक 2022 का समय दिया गया है कि 2022 तक जो एनसीईआरटी है वो करिकुलम से संबंधित एक अच्छा फ्रेमवर्क तैयार करेगी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए जो करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना है वो 2021 तक ही, माने अगले 7-8 महीने में हमें ECCE का नेशनल पेडागॉजिक एंड करिकुलर फ्रेमवर्क NCPFCCE इस तरह से कुछ है, उसको बना के तैयार कर। इसी तरह टीचर एजुकेशन के लिए भी हमारा करिकुलर फ्रेमवर्क बदलने की बात कही गई है अगले साल तक, क्योंकि टीचर एजुकेशन में हम वही अभी बहुत सारी पुरानी चीजों को ही बताते हैं, हम नई चीजों को टीचर एजुकेशन में इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। तो टीचर एजुकेशन, आप डाइट में हैं या मैं बीएड कॉलेज में हूँ, दोनों ही जगह टीचर एजुकेशन महत्वपूर्ण है और उस टीचर एजुकेशन को सुधारने की बात भी इसमें कही गई। तो हम करिकुलम को चेंज करेंगे, करिकुलम चेंज करने के बाद पढ़ाएंगे कैसे, तो उस पर भी कुछ जोर दिया गया है कि किस तरह से पढ़ाएंगे। अब उसमें नहीं हो सकती है, आधे घंटे के लेक्चर में सब तो नहीं कवर हो सकता है, लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा कि भाषा पे जोर दिया गया है और भारत के ज्ञान पे जोर दिया गया है।
जो हमारा पास्ट है, हमारे देश का पास्ट है। कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ की टीचिंग में उसी देश का पास्ट ठीक से न बताया जाता हो वहाँ की हिस्ट्री में। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज़ को थोड़ा सा कम किया गया था, तो इस बार प्रयास ये किया गया है कि हम जो हमारी अच्छी चीज़ें गुड हैबिट्स रही हैं पास्ट की, उन सभी चीज़ों को चाहे व्यवहार में या किसी और माध्यम से हम बच्चों के सामने लेकर के आए, तो ये एक चीज़ आएगी। अब परीक्षाओं की बात की, परीक्षाएं क्या होंगी, क्योंकि दो तीन मिनट में मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ, 3 बजे तक का ही मुझे टाइम था, 3:30 तक तो ख़त्म कर दें। तो परीक्षाओं की जो बात है, तो मुख्य रूप से 3 स्टेज पर इसमें एक की स्टेज परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात कही गई है। एट द स्टार्ट ऑफ क्लास 3 सेंसस असेसमेंट है, वो पूरे ग्रुप का असेसमेंट होगा, इंडिविजुअल बच्चे का असेसमेंट नहीं है। लेकिन कक्षा 3 में, कक्षा 5 में और कक्षा 8 में, इन 3 स्टेज पे, मैंने 3 में शुरू होने पर, 5 की समाप्ति पर और 8 की समाप्ति पर, ये 3 बार हम एक सेंसस असेसमेंट करके ये देखेंगे कि बच्चा कितना सीखा है। और एक बच्चे को परीक्षाओं में हम कुछ और चीज़ों को जोड़ने की कोशिश भी की है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि करिकुलर और को करिकुलर, ये दोनों करिकुलर और को करिकुलर, ये दोनों चीज़ें अलग अलग अभी तक थी। करिकुलर के लिए परीक्षा होती थी, उसका नंबर होता था, वही महत्वपूर्ण था। को करिकुलर ऐसे ही लिख दिया जाता था या थोड़ा बहुत जो आपने किया उसमें। अभी जितना करिकुलर महत्वपूर्ण है उतना ही को करिकुलर महत्वपूर्ण है। हम 360 डिग्री कार्ड की जो बात हो रही थी, करिकुलर और को करिकुलर दोनों, इसमें हम कंटिन्यूअस असेसमेंट करेंगे। कंटिन्यूअस असेसमेंट का मतलब कि आपने साल भर कैसे कैसे काम किया है, क्लास में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, न सिर्फ परीक्षाओं में, न सिर्फ क्विजेस में, न सिर्फ टेस्ट में, बल्कि सामान्य रूप से जो कक्षाएं चलती रही हैं उनमें आपने क्वेश्चंस किस तरह किए हैं, आपने जवाब किस तरह दिया है, इन सारी चीज़ों को। अगर कोई खेल कूद हुआ है, कोई कल्चरल एक्टिविटी हुई है, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन किस तरह रहा है, इन सारी चीज़ों को भी हम रिपोर्ट कार्ड में देखने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से आगे बढ़ें। तो एक रिपोर्ट कार्ड, इसमें सेल्फ असेसमेंट भी होगा, इसमें पीयर असेसमेंट भी होगा और इसमें टीचर असेसमेंट भी होगा, माने बच्चे आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी होगा, आपके गुरु आपके बारे में क्या सोचते हैं और स्वयं आप आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन सारी चीज़ों को कार्ड में रखना है। फिर कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर और सोशल, सोशियो इमोशनल, इन सारे डायमेंशंस पे रिपोर्ट कार्ड में चर्चा होगी। तो एक बड़ा सा रिपोर्ट कार्ड रखने की बात की गई और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर की भी बात कही जा रही है कि इसको हम डेवलप करेंगे और रिपोर्ट कार्ड्स में उसके माध्यम से बच्चे का असेसमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सुनने में बातें बड़ी अच्छी हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात है कि 5वीं क्लास तक और 8वीं क्लास तक अगर संभव हो तो हम मदर टंग में पढ़ाएंगे या लोकल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे या होम लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि हमारा सारा एजुकेशनल सिस्टम ही इसी पे बटा है, हिंदी और इंग्लिश में जो पढ़ाई होती है, चाहे उसमें बच्चे को समझ में आए या ना आए, उसी को अच्छा मानते हैं। तो क्या वे विद्यालय जो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाने के नाते अपने को आज तक सुपीरियर मानते चले आ रहे हैं, क्या आपकी इस शिक्षा नीति के बाद वो हिंदी में पढ़ाना शुरू कर देंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उतना ही बड़ा प्रश्न है जितना बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हमारे जो गांव की आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो शहर के प्लेवे स्कूल का मुकाबला कर पाएंगे? तो इस तरह की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है कि ज़्यादातर जो
प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो ऐसे लोगों के हैं जो राजनीति में बहुत प्रभावी हैं, वो ऐसे लोग हैं जो राजनीति में नियमों को बदलवाने की क्षमता रखते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो एक बीच का रास्ता निकाल लेंगे कि साहब जिसको हिंदी में पढ़ना है वो तो अपना पढ़े, लेकिन जो स्वयं आ रहा है कि हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसको हमारे यहाँ पढ़ने दी और वो अपनी सुप्रीमेसी मेंटेन रखने के लिए पूरा प्रयास करें। इसी तरह से वो कभी नहीं चाहेंगे या सरकार की योजना भी ऐसी नहीं बन पाएगी कि गांव में बहुत सुंदर आंगनबाड़ी बने। गांव में प्राइमरी स्कूल्स बहुत हैं, गांव में मिडिल स्कूल्स बहुत हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हैं। क्यों ऐसा होता है इसके बारे में पता नहीं कितना विचार किया जाता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों में जितना इंस्पेक्टर राज है आप जांच तो बहुत करते हैं लेकिन जो चाहिए वो देने की कोशिश कभी नहीं करते। हम एक प्राइवेट स्कूल खुलवाते हैं, सरकार ही मान्यता देती है, किसी भी जिले का BSC प्राइवेट स्कूल को मान्यता देता है, तो 5वीं क्लास तक के स्कूल को मान्यता देने के लिए उसकी टर्म कंडीशन होती है कि 6 कमरे होने चाहिए या 5 कमरे होने चाहिए, 5-6 टीचर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वहां पर कभी नहीं लिखा जाता है कि अगर आपके विद्यालय में 30 से कम बच्चे हैं तो सिर्फ 2 अध्यापक से काम चला लीजिए। लेकिन सरकारी विद्यालय में क्या है, केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट से ये पास कर रखा है कि अगर विद्यालय में 30 से कम बच्चे हैं तो 2 अध्यापक, उसके बाद हर 30 पे 1 अध्यापक। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि 30 बच्चे हैं और अगर हर कक्षा में 6-6 बच्चे हैं तो 2 अध्यापक उसको कैसे पढ़ाएंगे। अगर 2 अध्यापकों से आप 5 कक्षाओं को पढ़वा रहे हैं इसका मतलब आप जानबूझ करके कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा को कमजोर करा रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि इस विद्यालय में आने वाले बच्चे अच्छे से पढ़ें और इसी फीलिंग को लेकर के आपके यहाँ का अध्यापक भी ठीक से नहीं पढ़ाता है कि जब 1, 2, 3 को एक ही पढ़ाना है तो क्या 1 में पढ़ाना है, क्या 2 में पढ़ाना है, जब बच्चा 3 में पहुंचेगा तब पढ़ा देंगे, जब 3 में पहुंचता है तो फिर उसको लगता है कि चलो 4 में जाएगा तो दूसरे वाले मास्टर साहब पढ़ाएंगे। तो ये जो टाल मटोल की नीति है, आप कई विद्यालय क्लब करिए, एक गांव में 3 विद्यालय खुले हैं तो 3 को 1 करिए, लेकिन हर विद्यालय में हर कक्षा के लिए कमरा और हर कक्षा के लिए 1 अध्यापक सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि 1 बजे के पहले चले जाइए, 1 बजे के बाद चले जाइए। और हैरेसमेंट टेक्निक से कभी भी गुणवत्ता नहीं आती है, अध्यापक पर भरोसा करना होगा। जब हम पूरी व्यवस्था अध्यापक पर भरोसा करेगी तो अध्यापक भी आप पे भरोसा करेगा, अध्यापक भी आपकी बात को सुनेगा और अच्छा करेगा, लेकिन आप उसको इतना फ्रीडम दीजिए कि नहीं जिस कक्षा को पढ़ाना है अगर उसको 1 बजे से 2 बजे के बीच में कक्षा 5 को पढ़ाना है तो कक्षा 5 ही पढ़ाए, लेकिन जब 2 बजे वो कक्षा 5 को छोड़े तो कोई दूसरा अध्यापक उस कक्षा में पहुंचे। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था करनी होगी अगर हमारे नॉर्म्स प्राइवेट के लिए और सरकारी के लिए दोनों के लिए एक जैसे हो जाएंगे, हमारा डिप्लॉयमेंट सभी के लिए अच्छा हो जाएगा। तो नाम भी दिया है और एक व्यवस्था बनाने की बात कही है कि हम प्राइमरी स्कूलों में उसी गांव से अध्यापक देंगे, उससे फायदा ये होगा कि ये जो देर से आने वाली समस्या है और ये सब है वो कम होगी। यदि उसी गांव के शिक्षा मित्र होते हैं, अब कितना सफल होगा क्या होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कुल मिला करके हमें ये विश्वास करना चाहिए कि नीति अच्छी बनी है। अगर हम इतने ही अच्छी नियत के साथ इसको लागू करेंगे तो निश्चित रूप से देश हमारा काफ़ी आगे जाएगा, हमारे बच्चे काफ़ी आगे जाएंगे और हम जिस उद्देश्य के साथ इस नीति को बनाए हैं कि आगे आने वाले 15-20 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनेगा, तो हम उस दिशा में काफ़ी आगे कदम बढ़ा लेंगे अगर हमारी नीयत इसको लागू करने में सही रही तो। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी उसके लिए मुझे खेद है, आपके आमंत्रण के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अभी आप लोग श्री द्विवेदी जी के माध्यम से
नई शिक्षा नीति के 2020 पर बहुत ही अच्छा व्याख्यान, बड़े धैर्य सुना और उन्होंने